हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रवि टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2023। FCI AG थर्ड का थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। इसमें पूछे गए GK प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लस दिखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन सर 100% रियल ऑथेंटिक है, और पेपर दे के आए हैं, क्वेश्चन मिलाना, उसके बाद कमेंट बताना पेपर 100% रियल है भी या नहीं। वीडियो का PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो इस व्हाट्सएप में PDF मैसेज करके ले सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का भी हम लोग एनालिसिस देख लिया, अब थर्ड शिफ्ट खत्म समाप्त हो गया है, उसका भी हम लोग एनालिसिस देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको लगभग सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और नए होंगे तो चैनल पर प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है, कौन बनेंगे 2023 में जो गणतंत्र दिवस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 2023 को होने वाले कार्यक्रम में इजिप्ट, जिसको बोलते हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, मुख्य अतिथि होंगे। कौन होगा 2023 में 26 जनवरी मुख्य अतिथि, तो इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया था, कब हुआ था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम जिनका हेमू था, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा गया था, राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा इसका, राजगोपालाचार्य ने 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पार्टी के अध्यक्ष प्रभारी रूप से, पार्टी के राष्ट्रीय नेता, पार्टी के संगठन के प्रमुख, कार्य समिति के प्रमुख, मुख्य प्रवक्ता और सभी प्रमुख कांग्रेस समितियां रहे। दिसंबर 1885 में पार्टी की स्थापना के बाद ब्योमेश चंद चटर्जी जी इनके पहले अध्यक्ष बने थे, कौन, ब्योमेश चंद चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक आर देयर इन इंडिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 है पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो इजी क्वेश्चन था, कतर, बहुत बार पूछा गया, रिपीट करता ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इंद्रधनुष में कौन कौन सा रंग होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, चार ऑप्शन दिया हुआ था, बोला गया था चार ऑप्शन था, बोला था इनमें से कौन इंद्रधनुष का रंग नहीं है, तो हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा होता है। आप लोग भली भांति जानते होंगे भीमगेयर को, VIVGYOR, इसका ट्रिक है भीमगेयर या बेजानी हप्पी नाला जो बोलिए, कौन कौन होता है, लाल रंग, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये सब इंद्रधनुष के रंग है, इंग्लिश में बोले थे भीमगेयर वायलेट, सबका इंग्लिश नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का फुल फॉर्म, PMJJBY का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसका फुल फॉर्म होता है, अथवा हिंदी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण 423 केल्विन या 150 सेल्सियस या तो 300 फ़ारेनहाइट बोलिए, पर जिप्सम को गर्म करके किया जाता है, 423 के पर जिप्सम को गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य कौन है, ऐसा कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, फुल टाइम मेंबर नीति आयोग के, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत है। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवरॉय, BK सारस्वत, रमेश चंद और विनोद पाल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन था, तो देखिए कुडमकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश के कुडमकुलम में स्थित है, इसका निर्माण 2002 में आरंभ हुआ, 13 जुलाई 2013 को यह क्रांतिक हुआ, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग को यहीं तक मिल पाया है, कम से कम मैक्सिमम हम आपको 12 से 13 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। यदि आप इस शिफ्ट के पेपर दे के आए हैं, इससे अतिरिक्त और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे द्वारा हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का इसी तरह एनालिसिस करवाया जाता है, मेहनत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो का PDF चाहिए आपको, मेरे किसी भी वीडियो का PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है,
या तो एक व्हाट्सअप नंबर मिला हुआ वीडियो की स्टार्टिंग में, उसमें आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। वो इंग्लिश का दो क्वेश्चन मुझे मिला है, बता देते आपको उन लोग को। वो सुराउंड था, सुराउंड का SUROUND सुराउंड था, आई थिंक इसका स्टूडेंट बता रहे थे कि सुराउंड नहीं होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, मिसपेल्ड वाला था, करेक्शन मतलब एरर दिया हुआ था। एगो कॉन्फिडेंट था, ऐसे कुछ उसको भी सुधारना था, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।